काफी बार ऐसा होता है कि हमें इंस्टाग्राम पर किसी व्यक्ति की स्टोरी पसंद आ जाती है, उस स्टोरी को हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर सामने वाले व्यक्ति ने हमें मेंशन किया होता है। लेकिन अगर सामने वाले ने हमें मेंशन ही नहीं किया हो, तो सामने वाले व्यक्ति की स्टोरी हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कैसे लगा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे। और कमाल की बात यह है कि आप उसकी स्टोरी लगाकर आप उसे मेंशन भी कर पाएंगे। तो जिस भी व्यक्ति की आपको स्टोरी पसंद आ रही है, जिस भी व्यक्ति की स्टोरी आप अपनी स्टोरी में लगाना चाहते हो, आपको उसकी स्टोरी पर आ जाना है। मतलब कि आपको उसी स्टोरी पर आ जाना है जिस स्टोरी को आप अपनी स्टोरी में लगाना चाहते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है, तो इस स्टोरी का लिंक यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम के बहुत सारे फीचर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इंस्टाग्राम की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, रील्स डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, डीपी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोरी डाउनलोड कर सकते हैं, हाईलाइट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे स्टोरी डाउनलोड करनी है, तो हम यहाँ पे स्टोरी पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है जो अभी हमने इंस्टाग्राम से कॉपी किया था। पेस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर देना है, तो उस बंदे ने जितनी भी स्टोरी लगाई होगी वो सब स्टोरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको जो भी स्टोरी डाउनलोड करनी है, आपको उस स्टोरी के नीचे यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो वो स्टोरी आपकी यहाँ डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये स्टोरी यहाँ पे डाउनलोड होकर गैलरी में भी आ चुकी होगी। मैं यहाँ पे गैलरी ओपन कर लेता हूँ, तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोरी डाउनलोड होकर गैलरी में भी आ चुकी है। अभी हम इस स्टोरी को यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पे उसी स्टोरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं इसे यहाँ पे जूम इन और जूम आउट भी अपने अनुसार यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे किसी बंदे को मेंशन करना हो, तो यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेंशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो उस बंदे की आईडी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसके बाद आप इस स्टोरी को अपनी स्टोरी में यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा।